इंडियन प्रीमियर लीग में एक और बड़ा मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजरात टाइटंस। और जब ये दोनों टीमें आमने सामने हैं तो आपको पता ही चल गया होगा, पिछले साल फाइनल खेली थी इन दोनों टीमों ने और बहुत इंटरेस्टिंग लो टोटल बने थे, लेकिन गुजरात ने अपने पक्ष में कर लिया था मुकाबला। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले पिच रिपोर्ट से और उसके बाद आपको मेन एलिमेंट पर भी ले जाएंगे, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी पिक ऑफ खेल क्रिकेट। लेकिन सबसे पहले सवाई मान सिंह स्टेडियम गवाह बनने वाला है, इस मैदान में होंगे मैच। पिछला मुकाबला खेले थे तो आप एवरेज स्कोर देख रहे होंगे, उससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता है क्योंकि पिछले मुकाबले में बन गए 200 प्लस रन। अगर आप पिच टाइप देख रहे हैं तो गेंदबाजी है, स्पिनर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन रन भी भाई बन गए थे और इस मुकाबले में भी बनने को दिख सकते हैं ढेर सारे रन। बात करें स्क्वायर बाउंड्रीज की है 68 से 72 मीटर की और स्ट्रेट बाउंड्रीज 74 से 78 मीटर की, तो मतलब बड़ा ग्राउंड है। इसके अलावा भी पिच टाइप बॉलिंग है लेकिन सपोर्ट करता है बैटिंग भी, बल्लेबाजों को बिल्कुल नजर से हटाइएगा नहीं, शामिल जरूर कीजिएगा अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं। तो बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। सबसे पहले नाम आता है यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इस साल शतक लगा दिया है और इस सीजन के सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं 100 लगाने वाले। बात करें जॉस बटलर की तो बटलर कुछ अप्स एंड डाउन से भरा सीजन रहा है, स्टार्टिंग में बहुत सारे रन बनाए पर अभी कुछ मैचेस से फ्लो में नहीं दिख रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी साफ नजर आ रही है, इनको रन बनाने होंगे अगर राजस्थान रॉयल्स को ये मुकाबला जीतना है। इसके अलावा गेंदबाजी की ओर अगर ध्यान दें, युजवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज हैं, इनसे हम और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अभी तक थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड इनका भी फॉर्म रहा है इनिशियल मैचेस में। इसके अलावा संदीप शर्मा के गेंद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, फील्डिंग कह लें, बॉलिंग कह लें, लाइन लेंथ, स्विंग सब है इनके पास और इसीलिए एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं इस मुकाबले की। गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 पर आते हैं, रिद्धिमान साहा रन बना रहे हैं, अभिनव मनोहर एक बार फिर से बैटिंग करने उतर सकते हैं, शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं मैच में पता चल जाएगा लेकिन प्रोबेबल्स में नहीं होंगे, अगर बाद में बैटिंग करती है गुजरात की टीम तो एक बार फिर से शुभमन गिल एज एन इंपैक्ट खिलाड़ी इस मुकाबले में आपको खेलते देख सकते हैं। ओवरऑल बैटिंग सॉर्टेड लग रही है, गेंदबाजी में हालांकि जो अभी तक का प्रदर्शन राशिद खान का रहा है, टॉप 5 लीडिंग विकेट टेकर्स में है राशिद खान, लेकिन बहुत ज्यादा इकोनॉमी है इस बीच इनका, तो इकोनॉमी थोड़ा सा लो करें और विकेट चटकाए तो भाई राशिद खान तो दुनिया के सबसे तगड़े बॉलर है T20 के और ऐसे इनसे एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। गेंदबाजी में मोहित शर्मा, जोशुआ लिटिल ने अच्छी बॉलिंग करी है, मोहम्मद शमी ने पिछले मुकाबले में भाई अपने एक्सपीरियंस के बलबूते स्विंग एक्सपीरियंस लाइन लेंथ 4 विकेटें अपने नाम करी, मेरी टीम में भी शामिल थे, अच्छे खासे ढेर सारे पॉइंट्स दिए मुझे फैंटेसी में भी। अब बात करते हैं हमारे मेन एलिमेंट वाइस कैप्टेंसी ऑफ कैप्टेंसी पिक राजस्थान और गुजरात के मुकाबले की। वाइस कैप्टेंसी पे पहले बात करेंगे, जॉस बटलर आपको दिख रहे हैं, जॉस बटलर का सीजन अभी तक ठीक ठाक रहा है, पिछले कुछ मैचेस अच्छे नहीं रहे हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है, रन नहीं निकल रहे, लेकिन इस मुकाबले में कुछ अलग कर सकते हैं। सवाई मानसिंह का मैदान, इनको रास आता है, रन बनते दिखते हैं और ये रन बनाएंगे इस मुकाबले में। इसके अलावा राशिद खान, बॉलिंग अच्छी जा रही है, विकेटें चटका रहे हैं, इकोनॉमी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन जरूर है, ज्यादा इकोनॉमी है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, आप फैंटेसी टीम में शामिल कर रहे हैं वाइस कैप्टेंसी के रूप में, आपको ढेर सारे पॉइंट्स देंगे और यही तो आपको चाहिए। कैप्टेंसी पे बात करते हैं, यशस्वी जायसवाल आपको देख रहे हैं, जायसवाल ने इस सीजन शतक लगा दिया है, पूरे सीजन अभी तक टॉप फॉर्म में चल रहे हैं और इस सीजन सेकेंड लीडिंग रन गेटर चल रहे हैं ये टूर्नामेंट के, राजस्थान के भी ये लीडर हैं रन गेटर में, तो इनको बिना कुछ देखे शामिल कर लीजिए, ढेर सारे रन और पॉइंट्स आपको देने वाले हैं। बात करें हार्दिक पांड्या की, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही ऊपरी क्रम में कर रहे हैं, बल्लेबाजी की बात की जाए पहले तो फर्स्ट डाउन उतरते हैं, रन बनाते हैं और ये इस मुकाबले में भी रन बनाते दिखेंगे। ओवर्स की बात की जाए, ये अपने 4 ओवर का कोटा पूरा करते दिखते हैं और आप इनको पावर प्ले में भी देखेंगे और मिडिल ऑर्डर में भी देखेंगे, विकेट चटकाने की काबिलियत है इनके पास, इंडिया के लीडिंग ऑलराउंडर हैं और गुजरात के भी, तो बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कैप्टेंसी पिक है, पॉइंट्स दोनों तरफ से आपको मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे खेल क्रिकेट की प्रेडिक्शन की, गुजरात टाइटंस ये मुकाबला जीतने वाला है क्योंकि अच्छी लय में दिख रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी अब सॉर्टेड हो गया है, पिछले मुकाबला अगर आपको याद हो राहुल तेवतिया ने 5 गेंदों पर 20 रन बना दिए थे, 3 छक्के शामिल थे, उनकी बल्लेबाजी आई और उन्होंने अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन भी कर दिया। इसके अलावा डेविड मिलर भी चल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है और यही एक वजह है कि गुजरात टाइटंस ये मुकाबला जीतता दिख रहा है, लिख के ले दीजिए यही टीम जीत रही है। इसके अलावा रिद्धिमान साहा संजू सैमसन के बल्ले से 40 प्लस का स्कोर निकलेगा और बॉलिंग की बात की जाए, संदीप शर्मा और राशिद खान
तीन या तीन से ज्यादा विकेट इस मुकाबले में चटका रहे हैं। ऐसी ही क्रिस्प और इंटरेस्टिंग क्रिकेट रिलेटेड खबरों के लिए, फैंटेसी टीम के लिए, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी पिक के लिए खेल क्रिकेट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।